झांसी पुलिस ने मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिसमें तीन बदमाशों को अवैध असलहे सहित सोने चांदी के आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। झांसी के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के नेतृत्व में झांसी में लगातार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते विगत 19-20 की रात्रि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि कुछ बदमाशों द्वारा चोरी करके सामान ले जाया गया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर वाजपेयी तालाब पर मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी जेपी पाल सहित पुलिस की मुठभेड़ पंकज अग्रवाल से हो गई, जिससे बदमाश पंकज अग्रवाल के पैर में गोली लगी तथा पंकज के पास से अवैध असलहा सहित सोने चांदी के आभूषण तथा कुछ नकदी भी पुलिस ने बरामद किया तथा पंकज से पूछताछ करने पर पता चला कि नीरज शिवा, सूरज विश्वकर्मा, यासिन राइन मऊरानीपुर निवासी भी उक्त चोरी की घटना में शामिल है, जिन्हें आज टिकमगढ़ रोड सुखनई नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उक्त लोगों के पास से सोने चांदी के आभूषण और अवैध असलहा भी बरामद किया गया, जिन्हें आज जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मऊरानीपुर कस्बे में 19/20 की रात में टीकमगढ़ रोड पे एक चोरी हुई थी और उसके बाद से पुलिस की दो टीमें गठित की गई थी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में और उसकी पूरी बागडोर मऊरानीपुर को सौंपी गई थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगी थी, तो एक टेम्पो आते हुए दिखा था तो पुलिस ने उस पर काम करना शुरू किया, तो उसी क्रम में पुलिस के द्वारा कल एक पंकज अग्रवाल जो एक सातिर किस्म का बदमाश है अंतर राज्यीय, जो कि जिसके खिलाफ मऊरानीपुर, नवाबाद, चितकूट, महोबा, MP में भी मुकदमे हैं, तो कल पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भी चांदी, सोने के सामान, एक अदर तमंचा मिला हुआ था, कुछ नकद पैसे मिले थे, लेकिन उसी के पूछताछ में उसने बताया था कि उसके तीन अन्य साथी हैं जिनके पास से चोरी के अन्य सामान जैसे LED है, सोने चांदी के सामान और नकदी जो और बचे हैं उनके पास से मिले, तो पुलिस उसी पे काम की, तो आज इनको सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो मऊरानीपुर कस्बे के है, एक सूरज विश्वकर्मा है, यासिन राइन है और एक श्रीनिवास है, तो इनके पास से दो अवैध तमंचा मिले हैं और उसमें गाड़ी जो प्रयुक्त हुई थी टेम्पो वो भी मिला है, LED मिली हुई है, सोने चांदी का सामान और नकदी मिली। सर, जो पकड़े गए लोग हैं इनके द्वारा कितने अपराधी इतिहास से? ये तो तीनों चूंकि पहली बार पंकज के नेतृत्व पे किए थे, पंकज चूंकि बहुत सातिर किस्म के है उसके खिलाफ लगभग 39 मुकदमे दर्ज हैं। सर, लगभग मऊरानीपुर की कितनी चोरियां बताई जा रही हैं? इसमें इन्होंने चूंकि पंकज यहाँ कम रहता है, वो बाहर रहता है, तो उसने ये बताया था कि ये और एक रानीपुर में दो चोरी उसने बताई। चोरी करने की वजह क्या थी? जो तीन लोग जो नए हैं, ये तीन तो उनके पंकज के कहीं ना कहीं संपर्क में थे, पंकज चूंकि कई मुकदमे उसके था तो वो तारीख के लिए उसको पैसा की आवश्यकता थी, तो उसने एक घर में देखा कि ताला बंद है और रास्ते में एक दिन पहले वो आया था तो उसको नजर लगी कि यहाँ ताला बंद है और उसको मालूम भी था कि इनके यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, तो इस आधार पर उसने रात में ताला बंद घर में ताला तोड़ के अंदर घुस के ये चोरी को अंजाम दिया।